लहड़ी सराय थाने क्षेत्र के सैदनगर मोहल्ले में 16 दिसंबर की सुबह सड़क हादसे में एक दवा व्यवसायी की मौत हो गई। मृतक की पहचान हॉस्पिटल रोड स्थित प्रगति मेडिकल हॉल के मालिक 32 वर्षीय रिक्की झा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह सिमरी थाने क्षेत्र के सढ़वाड़ा गांव निवासी व भाकपा नेता दिनेश झा का पुत्र है। वहीं दूसरी तरफ रिक्की की मौत कैसे हुई इसकी जानकारी परिजनों को नहीं मिल पाई। हालांकि प्रभारी थाना अध्यक्ष केसी भारती ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एक बाइक सवार को रौंदकर ट्रक फरार हो गया, जिसे दरभंगा DMCH में ले जाया गया जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। लगा के खड़ा था मंदिर से, साईं मंदिर से आ रहा था, बाइक लगा के खड़ा था और खड़ा बाइक में हाईवा गाड़ी जो थी वो ठोक के चले। अभी जो तत्कालिक जानकारी हम लोगों को मिला है उसमें ये प्रत्येक रविवार को वहाँ साईं मंदिर है वहाँ जाता था पूजा करने, उसके बाद व्यायाम करने यूनिवर्सिटी जाता था। उसी दरमियान जो है सो गाड़ी लगा के खड़ा हुआ खड़े थे, उसी वक्त जो है कोई हाईवे गाड़ी जो है पीछे से मार दिया है। बालक बहुत ही होनहार था, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता हैं दिनेश जी, उन्हीं का यह छोटा लड़का था। मात्र 28 साल की उम्र में ही कई संघर्षों के दौर से यह गुजरा और व्यापार को स्थापित किया। आज उसका दुखद अंत हुआ। हम लोग भारी चिंता में हैं। जो 6 बजे इसके बाद विशेष जांच और गहन बातों का भी पता लगावेंगे। और एक बात जरूर संदेह पैदा करता है, जो आदमी खड़ा था, चलती में कोई एक्सीडेंट हो जाए, अप एंड डाउन हो जाए, वो एक मामला है, वो खड़ा था उस वक्त में आकर के ठोकर कहना बिल्कुल है। इसके जांच का विषय है। दरभंगा DMCH के गायनिक वार्ड से 16 दिसंबर की सुबह चोरी हुए नवजात को पुलिस ने 8 घंटे के अंदर बरामद कर दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने नवजात को प्रसूता के हवाले कर दिया जहां दृश्य देखने हेतु लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक कहा कि सुबह उठी तो देखी कि बच्चा उसके बगल से गायब है। उस बच्चे को उसने अंतिम बार 1 बजे देखा था दूध पिलाने के बाद। उसके साथ अन्य उसके परिजन भी थे और जब सुबह उठी तो देखी नहीं है। उसने बताया, शोर मचाया, उसके बाद जब बच्चा नहीं मिला तो हमारे सिक्योरिटी ने, हमारे वहाँ के कर्मचारी ने ये सब आवाज़ उठाई। चारों तरफ उसे देखा गया, खोजा गया, नहीं मिली। फिर एक औरत जो ठीक उसके सामने, बुच्ची देवी की बेटी थी जो उसके सामने थी, वो सुबह 4 बजे नहीं थी और 6 बजे से 7 बजे तक वो आ गई। तो ये हुआ कि इतने देर वो कहाँ थी। इसी पर हमारे सिक्योरिटी ने उससे बार बार पूछा और उससे थोड़ा प्रेशराइज भी किया और कहा कि तुम बताओ तुम इतना सुबह सुबह कहाँ गई थी। तो उसने बताया कि हमको फॉर्म भरना था, तो अभी सुबह में रविवार को कौन सा फॉर्म भरोगे। तो दोनों में कुछ बातें हुई और इसने बहुत सारा ये कहा, उस पर जोर दिया, थोड़ा मानवता का भी ध्यान दिया और थोड़ा साइकोलॉजिकल भी हैंडल किया, जिसके कारण उसने कहा कि नहीं, बच्चे को हम ही ले गए और हम दे देंगे। इसके बाद वो बच्चा जो बच्चे को दे देंगे, उसके बाद उसे बहुत समझाया बुझाया गया कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम बच्चे को किसी बाद फिर बहुत कन्विंस कर दिया गया और बहुत सही कुछ दिखाया गया, उसको बहुत सारी बातें कही गई, तब वो फिर तैयार हो गए कि ये बच्चा को बहरी थाना ले गया। तो फिर पुलिस प्रशासन के साथ बहरी थाना गया तो वहाँ जाने पर पता चला कि बहरी थाना में अभी नहीं है। फिर कॉन्टैक्ट हुआ तो पता चला कि जो है सो उसको बिरौल थाना के अंतर्गत नवटोलिया गांव में बच्चा है और वहां से उस बच्चे को लेकर के वो आ रहा था ही। उसके साथ पुलिस प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, सिक्योरिटी और सुनील जी, ये सब साथ में आए। 16 दिसंबर को बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई।
वहीं आयोजित विस्तारित बैठक में संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि तीन हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस की जीत प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी, जीएसटी एवं किसानों व नौजवानों के साथ वादा खिलाफी के खिलाफ बहुत बड़ा जनादेश है। बीजेपी शासित तीनों राज्यों की जनता ने बीजेपी को तीन तलाक दे दिया है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज ने भी कहा कि पांच राज्यों के चुनाव में भाजपा को तीन राज्यों की सरकार से मुक्त कर दिया है। यह परिणाम राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की कड़ी मेहनत की देन है। पूर्व गिरिराज मंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हम लोग के सम्मानित नेता आदरणीय डॉक्टर ठाकुर साहब को समझ। तो आज फिर इसकी जरूरत है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं की ओर से आपके निर्देशानुसार दरभंगा जिला में प्रभारी के रूप में आगमन से हम कांग्रेस जन हार्दिक और दिल से बधाइयां देता हूं। मदन जी बहुत शालीन, बहुत सभ्य, बहुत ही मृदुभाषी हैं। हम लोग लगभग एक साथ के हैं। मैं कहीं कहीं दिल्ली उल्ली में कुछ हो गया तो मदन जी कुछ ज्यादा सम्मान करते हैं, तो मैं कभी कभी उनको गाड़ी पर बैठाने जाता हूं तो वो थोड़ा झिझकते हैं। तो मैं उनसे अक्सर ये कहता हूं कि देखिए, कांग्रेस संगठन में कांग्रेस के अध्यक्ष को इतना अधिकार है जितना अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। इसलिए स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष जो हो गया, हमारी 133 सालों पुरानी पार्टी, क्यों ये पार्टी इतने दिनों तक है? बहुत सी पार्टियां आनी बनी टूट गई, भारतीय जनता पार्टी कुछ 38 साल की पार्टी है। अध्यक्ष को कहते हैं राष्ट्र के राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहते हैं, और जो अध्यक्ष का निर्णय होता है अंतिम, वो सारे कांग्रेस जनों को स्वीकार होता है, और यही इस संगठन की सबसे बड़ी शक्ति। वाम लोकतांत्रिक फ्रंट के छात्र नेताओं के द्वारा सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित AISF आयशा, SFI छात्र राजद, NSUI के छात्र नेताओं के द्वारा किया गया। वहीं इन लोगों का कहना था कि छात्र संघ चुनाव में जदयू के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा दाखिला दिया जा रहा है जो कि अलोकतांत्रिक है। तो वहीं कई छात्र संघ के नेता के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय में कब्जा जमाने के लिए जीते हुए सदस्यों को खरीद फरोख्त शुरू कर दी है, जो अलोकतांत्रिक का परिचय दे रही है। साथ ही ऐसा करने वाले कभी भी छात्रहित नहीं सो सकता है। AISF छात्र राजद और NSUI शामिल है, और तमाम दल मिलकर, हम पांचों छात्र संगठन मिलकर, हम लोगों ने एक संघर्ष का प्रण विश्वविद्यालय के लिए दिया है, जिसमें अध्यक्ष के लिए मैं संदीप कुमार चौधरी आयशा से, SFI से संकित कुमार, AISF से ऋषभ कुमार, छात्र राजद से ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए अखलाक, और कोषाध्यक्ष के लिए रणवीर रॉय, ये तमाम हमारे पैनल के लोग हैं। आज आप देखिए, जब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहा है, तब छात्रों का जो सवाल है, छात्रों का जो जैनून सवाल है, उससे गुमराह कर एक धनबल बाहुबल के आधार पर चुनाव को ले जाने की प्रयास चल रहे हैं। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड खरीद फरोख्त के आधार पर छात्र संघ चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रही है। आपने देखा किस तरह से जदयू के पास कोई एक नेता, कोई एक कैडर नहीं था जो जीत करके आया हो, तब वो छात्र संगठन AISF से जो जीता हुआ लोग था उसको तोड़ करके, उसको लोभ लालच देकर अपना अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया। ये साबित करता है कि जनता दल यूनाइटेड के पास एक भी ऐसे कैडर नहीं जीते हुए हैं, एक भी ऐसे लोग नहीं जीते हुए हैं जो उनके संगठन को आगे बढ़ा पाने में कामयाब हो। इस संगठन की, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की, शुरू से ये मोटो रहा है कि हम लोग जब छात्र संघ चुनाव में जाते हैं तो जो स्टूडेंट रहते हैं उसको विचारधारा से लैस करें, उसको जो राजनीति का विदेश के अंदर चल रही है या जो भविष्य की राजनीति को भी, उसके बारे में उसको प्रबुद्ध करें। हम लोग का मेन मोटो ये रहता है। आपने पिछले चुनाव में भी देखा, हमारे जो विचारधारा से जो ताल्लुकात रखने वाले संगठन से, उन तमाम लोगों को हम लोगों ने मिला के चुनाव लड़ा। अभी की जो हालात है वो हमारे संगठन के लोग थे,
और हमने एक संगठन को अपने संगठन के अंदर विलय किया था, उस संगठन से आए हुए लोग थे वो, और लगातार वो संगठन के अंदर भी अराजक की स्थिति, उस पर भी पिछले बैठक में शोक आउट की नोटिस जारी हुई थी, वो अराजक की स्थिति पैदा कर रहे थे पहले से भी संगठन के अंदर, संगठन के भी लोगों का उसके प्रति कोई साफ नज़रिया नहीं था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो AISFR से आए हुए लोग थे और वो हमेशा अवसरवाद को उसके अंदर अवसरवादी छवि हमेशा झलकती रहती थी, लेकिन चूँकि वे हमारे संगठन के बैनर तले वहाँ खड़े हुए थे, हमारे संगठन के समर्थन से वहाँ खड़े हुए थे, इसलिए हम लोगों ने पूरा अपनी ताकत लगाई संगठन के उसको जिताने के लिए। गया जाके जो हमारा जो प्रथम पाठशाला है राजनीति का, कि यहाँ से एक ऐसी विचारधारा है, ऐसा विचारधारा उत्पन्न हो, ऐसी एक नींव रखा जाए राजनीति में जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे जो जो विचारधारा है उनको एक मजबूती के साथ देश को एक प्रगतिशील देश में लाए, उसको देश के विकास में जो काम आए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आज देश के अंदर एक अवसरवादी विचारधारा को थोपा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो छात्र राजनीति को एक गंदी मानसिकता के तौर पे अपने स्वार्थ के लिए, अपने संगठन के स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ मानसिकता के लिए जिस तरह से उन्होंने छात्र और युवाओं को बड़गलाने का काम कर रहा है, जिस तरह से राजनीति को गंदा कर रहा है, ये आने वाला समय में, भविष्य में ये देश के लिए उचित नहीं है या देश के लिए विचारने बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस तमाम जो मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र PRT के परीक्षा में कम रिजल्ट को लेकर सोमवार को लोजपा के जिला अध्यक्ष गगन झा के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस बारे में जिला अध्यक्ष का कहना था कि मिथिला विश्वविद्यालय शोध नहीं करवाना चाहती, इसलिए PRT का रिजल्ट कम दिया गया। यहाँ तक तो विषय में कुछ भी रिजल्ट नहीं दिया गया है, ऐसे में छात्र का क्या होगा। इसे क्या करते हैं, सारे लड़का फेल कर दिए गए हैं, इन्हीं बातों को लेकर आज हम लोग VC साहब का घेराव किए हैं, जबकि ज्ञात होनी चाहिए आपको पूर्व VC साहब। सच्ची बात है, आपने सही कहा है, मैथिली के नाम पर सिर्फ लोग राजनीतिक करके ही करते हैं, लेकिन आपको ज्ञात होगा लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अष्टम अनुसूची में लागू करवाने के लिए रामविलास ये है अपना जो है राज्य में अदर स्टेट में जो है रिजल्ट उसको जैसे परीक्षा जो है जांच करने के लिए जो कॉपी है उसको जांच करने के लिए वहां से रिजल्ट कम आया है और एजुकेशन MA इन एजुकेशन में ही। पॉलीथीन सभी के लिए हानिकारक है और इसके उपयोग पर रोक लगनी चाहिए, ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के छात्र छात्राओं के द्वारा नुक्कड़ नाटक कर बताया गया। वहीं इस नाटक के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि पॉलीथीन हमारे पृथ्वी के लिए कितना हानिकारक है और इससे कितना नुकसान हो सकता है। फोर्थ सेमेस्टर 2016-18 बैच के बच्चे फोर्थ सेमेस्टर के प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर एक नुक्कड़। सरकार जो हमारे ऊपर कुछ सूचना दे कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, हम नागरिकों को शहरवासियों को इससे पहले ध्यान दिया जाना देना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं जिसके लिए जिसके कारण हम स्वस्थ रहें और हमारे आसपास की आबोहवा स्वस्थ। विद्यालय के दरबार हॉल में स्नेह मिलन पर्व सह पुस्तक लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वकालिक प्रचारक पंडित श्री जीवेश्वर मिश्र थे, जिन्होंने वर्तमान परिस्थिति पर प्रकाश डाला। वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इस स्नेह मिलन में मुख्य अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा, विशिष्ट अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर समरेंद्र प्रताप सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देव नारायण झा सहित कई लोग मौजूद थे। बनाने की प्रेरणा भी देता है। क्या है जो लोग कहते रहे कि ये राष्ट्र दो साहब ये कारमा बनता गया, ये राष्ट्र हिंदुस्तान को हम लोग कहते रहे हमारी माता है,
हम इसके संतान हैं। इस भाव से इस राष्ट्र की सेवा करना, इस राष्ट्र को प्रबल बनाना, सबल बनाना। गौरतलब है कि हिंदू राष्ट्र नैतिकता के नियामक सूत्रों वाली डॉक्टर विमल नारायण ठाकुर द्वारा संपादित पुस्तक संघ प्रचारक राष्ट्रीय मानदा परिक्रमा का लोकार्पण। परिक्रमा पुस्तक का नाम है और जीवेश्वर मिश्र जी के द्वारा यह लिखा गया है। एक राष्ट्रहित की बात, राष्ट्र की बात, राष्ट्र के संरक्षण। लड़कियों का एकमात्र संस्था वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम सोमवार को बदल दिया गया। अब यह संस्था भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखा गया है, जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। इस नाम परिवर्तन में मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस पी सिंह उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर कुलसचिव, संस्था के निदेशक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये संस्थान के लिए और मेरे लिए भी निजी स्तर पे एक भावनात्मक क्षण है, एक भावनात्मक दिन है कि मैं तब भी था जब कलाम साहब आए थे और उद्घाटन किया था उन्होंने, और आज जब वो नहीं है दुनिया में और उनका नाम यहाँ से जुड़ा है, तब भी मैं यहाँ हूँ। तो एक ऐसे सेंट का नाम इस संस्थान के साथ जुड़ जाना, मैं ये समझता हूँ कि ये संस्थान अब एक अमरत्व की तरफ से चला गया है। जानकारी दी गई है कि विभिन्न विषयों की पढ़ाई यहाँ शुरू की जा रही है और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट के रूप में शुरू हुआ था, इसलिए थोड़ी तो दिक्कत हो रही है और आगे के दिनों में और अधिक इसको फंड मिल सके गवर्नमेंट से भी, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। हाँ, इस ऐसी संस्थाओं को बनने में तो थोड़ा टाइम लगता है। WIT के साथ ही अब छूटी हुई आरक्षित सीटों पर बुकिंग करा सकेंगे यात्री। जी हाँ, अब दरभंगा जंक्शन पर ऐसी सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए रेलवे विभाग के द्वारा सोमवार को TT को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ऐसे यात्री जिन्होंने अपने सीट आरक्षित करवा लिया है और किसी कारणवश नहीं आया या गाड़ी छूट गई, तो ऐसे सीट पर TT दो स्टेशन का इंतजार करते हैं, उसके बाद उस सीट को बेच देते हैं, जो कि अब ऐसा नहीं होगा। छूटी हुई सीट पर ऑनलाइन TT सीट बुक करेंगे। डाउनलोड हो गया है, उसमें देखिए एक आएगा, मोबाइल नंबर आपका पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, जब 4 नंबर का पासवर्ड आपके पास आएगा तो वह पास करेंगे 100 रुपए से, 200 रुपए से, 500 रुपए से, वैसे ही आपको 5% का बोनस मिल जाएगा। 200 रुपए से रिचार्ज करेंगे तो आपके वैलेट में कितना पैसा जाएगा, 20 रुपए, जो 5% जो बोनस है वह इमीडिएटली चला आएगा। एक बार जब पैसे आ गए आपके वैलेट में तो फिर ये ऑप्शंस आएंगे कि एक बार यदि आप रजिस्टर्ड हो गए हैं तो लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, यदि नहीं रजिस्टर्ड हुए तो लॉगिन कर सकते हैं, अपना पासवर्ड यदि आपने क्रिएट किया है मोबाइल में अलग से तो लॉग आउट करके फिर पासवर्ड डालना होगा, अदरवाइज आपका हम पहले से ही सिस्टम में डाल देंगे, जैसे क्विक बटन दबाइएगा वैसे ही आपकी टिकट की बुकिंग हो जाएगी और कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी के मामले में कार्यशाला हम लोग विभिन्न स्टेशनों पर अक्सर किया करते हैं और उसमें हम लोग अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच एक संवाद स्थापित करते हैं, उसमें जो नई प्रगति हो रही है रेलवे में या नए काम हो रहे हैं
उनके बारे में उनको अवगत कराते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। सोमवार की अहले सुबह बंगलागढ़ नीम चौक पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं युवक को खून में देख लोगों ने मिथिला विश्वविद्यालय थाना को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर युवक को दरभंगा DMCH में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह युवक शुभंकरपुर का रहने वाला बताया जाता है, जो फकीरा सहनी का पुत्र 30 वर्षीय मिथुन सहनी के रूप में हुआ है। वहीं इस बारे में परिजनों का कहना था कि मिथुन बीती रात किलाघाट में एक बाराती में गया था। उसकी मृत्यु कैसे हुई और क्यों हुई इसका पता नहीं चल पाया है। आखिर ये हत्या है या फिर दुर्घटना, इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। लड़का का नाम मिथुन कुमार सहनी, पिता फकीरा सहनी, जिनके पिताजी प्रिंटर का काम कर रहे हैं, ये लमसम 25 वर्ष के हैं। ये बारात में शामिल होकर के बारात अटेंड करने के लिए गया। उसके बाद सवेरे 5 बजे मालूम हुआ कि इसको किसी संदेहास्पद में वहाँ मार के फेंके। तो यहाँ से 9:30 बजे बरियाती गए थे। बरियाती जाने के बाद हम लोग वहाँ 2 बजे तक साथ में ही थे। फिर 2 बजे के बाद हम अकेले वहाँ से आ गए इनको बोलने चलने के लिए मेरे भाई जी को, लेकिन वो बोले 1/2 घंटे के बाद में आ गए। उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद मेरे को सुबह में पता चला यूनिवर्सिटी से कि पुलिस को फोन किए हुए थे DMCH से कि उसका सीरियस हालत है। जो आप हमको बताया नहीं गया था कि उसका कौड़ी के दाम पर लाखों रुपए में जमीन बेचने वाले ट्राई कलर प्रॉपर्टीज को लेकर सोमवार को एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सीसो पंचायत के पूर्व मुखिया डॉक्टर पवन चौधरी, खड़ुआ पंचायत के मुखिया मोहम्मद इरशाद आलम, सीसो पश्चिमी के मुखिया मोहम्मद शमसे आलम, मनियारी शोभन पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद शाहिद करीम के संयुक्त तत्वाधान में संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में ट्राई कलर प्रॉपर्टीज के द्वारा घोर अनियमितता की बात कही गई, जिसकी शिकायत जिला परिषद जिलाधिकारी को भी। प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज कंसी और सीसो पश्चिम मौजे के जमीन के अंतर्गत ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ट्राई कलर, जिसका वो नाम रखा है इंपीरियल पार्क। उस इंपीरियल पार्क के तहत वहाँ जमीन को डेवलपमेंट कर रहा है, किसानों से कौड़ी भाव में जमीन खरीद रहा है और आम लोगों से मोटी रकम लेकर के जमीन को बेच रहा है। जबकि कोई भी कंपनी अगर जमीन खरीद कर रहा है या बिक्री कर रहा है, उससे पहले आपको ग्राम पंचायत राज से उसको NOC लेना चाहिए। वो NOC प्राप्त नहीं किया और उसके बाद वह भी उसमें सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसे हैं जो भूदान का जमीन है, गैरमजरुआ सरकारी आम जमीन है और शिक्षा विभाग का माने दर्जनों एकड़ जमीन जो है शिक्षा विभाग का है। वह जमीन सब भी निबंधन विभाग को मैनेज करके खरीद बिक्री सब किया। जब इस बात की जानकारी हम लोगों को लगी जो नहीं ये तो लूट मचाया हुआ है यहाँ पर, तो सर्वप्रथम जिला परिषद के जिला अध्यक्ष के द्वारा कलेक्टर को एक आवेदन दिया गया जो बाहर का कंपनी आकर के दरभंगा के लोगों को लूट रहा है। इंपीरियल पार्क के नाम से जाना जा रहा है, ये तकरीबन 2014 से हमारे पंचायत में चल रहा है। जो मौजे हमारा किटका मौजे है, मकनाही मौजे है, जैसा कि पता चला है कि फर्जी ढंग से ये कंसी में किटका मौजे को ले लिया गया है और मकनाही मौजे को भी कंसी पंचायत में लेगी। ऐसा नहीं है, मेरे 605 पंचायत में ये किटका मौजे मकनाही मौजे है। फर्जी ढंग से ये रेरा नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करके ये जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। 50,000-60,000 रुपये इकट्ठा जमीन खरीद रहे हैं और 8.5-9 लाख रुपये इकट्ठा जमीन 14 धूर जमीन देकर के ये जमीन बिक्री कर रहे हैं। तो गरीब किसान को भी उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। दबंगई
2016 में हम मुखिया हैं, हम तीन बार जीते हैं, बीच में एक बार ड्रॉप हो गए थे। 2016 से हम मुखिया हैं, फिर इस बार पुनः जीते हैं। हमारे पंचायत अंतर्गत एक बिंडा के पास एक ट्राई कॉलर कंपनी समर बुके के नाम से एक टाउनशिप बसा रहा है। तो हमारा सरकार से मांग है, खास तौर से मैं सीईओ को कहना ये चाह रहा हूँ, मेरा घर शोभन है, मेरे घर के निकट ही ये ट्राई कलर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के इंपीरियल पार्क बना हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने ही इसमें आवेदन दिया था 15/11/2017 को। सबसे पहले हम लोग ग्रामीणों ने मिलके एक आवेदन दिया था कि वहाँ पे सैकड़ों बीघा इस तरह की जमीन है जिसको कंपनी धीरे धीरे जो है, चाहे वो बिहार सरकार की हो। राज्य निष्क्रियता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने हाल के दिनों में यह कहा था कि पुअर होम की जगह पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोला जाएगा। इसको लेकर अनाथ एवं असहायों के मानित पक्षकार के रूप में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर जयशंकर झा ने कहा कि पुअर होम की जगह दूसरी कोई संस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि वर्ष 1962 तक एशिया के प्रख्यात अनाथालय के रूप में प्रसिद्ध श्री कामेश्वरी प्रिया पुअर होम का निबंधन रद्द किया जा चुका है। वह दूसरी तरफ आयुक्त दरभंगा प्रमंडल की ओर से गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने प्रबंधन की मनमानी को सिद्ध कर दिया है। ये किया था कि डीएम साहब की अध्यक्षता में पुअर होम के संचालन के लिए कमेटी, जिसमें 8 पदाधिकारी ही सरकारी पदाधिकारी थे उस कमेटी के सदस्य, और उस कमेटी ने कार्य में करने के नाम पर सिर्फ इतना ही हो सका कि पुअर होम के खाता संचालन पर रोक लगा दिया गया और उसके जो तथाकथित सचिव थे उनके अधिकार को ख़त्म कर दिया गया, किंतु धरातल पर कोई काम डीएम साहब की अध्यक्षता वाली कमेटी से भी जब नहीं हो सका तो फिर समाज कल्याण विभाग चूँकि प्रतिवादी रहा है इसमें, मानवाधिकार आयोग से लेकर हाई कोर्ट तक के मामले में, तो समाज कल्याण विभाग ने दो पत्र लिखा माननीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल को कि पुअर होम जिन उद्देश्यों के लिए महाराजा ने बनाया था और जो उद्देश्य था वृद्धाश्रम, बाल गृह, भिक्षुक गृह, विधवाओं के लिए, गरीबों और बेसहारों दिव्यांगों के लिए पोषण और पुनर्वास प्रदान करना, तो इन उद्देश्यों को बिहार सरकार का जो ये समाज कल्याण विभाग है वह करने में अभिरुचि रखता है कि समाज कल्याण विभाग को पुअर होम के संचालन का सारा दायित्व सौंप दिया जाए और ताकि इसकी संपत्ति की रक्षा हो। पूर्व में जो कमिटी थी जिस ट्रस्ट के मिसट्रस्ट के चलते ट्रस्ट ने तथाकथित ट्रस्ट ने जो विश्वासघात किया जिसके चलते इसका निबंधन भी रद्द हो गया, पुअर होम जैसे गौरवशाली संस्था का निबंधन रद्द हो गया इनके कारगुजारियों से, तो मैंने कहा कि इस संपत्ति की सुरक्षा तभी होगी जब यह समाज कल्याण विभाग को जिला के ने पूरा मिथिलांचल के बिहार के विश्व रिकॉर्ड ये हमारा सब पुअर होम है जे दरभंगा महाराजा के जी देन छन और ये हर जो सोच छे पुअर होम हा तो भगवान के स्वरूप मानल जाए इतने बड़ा अनाथालय आश्रम हुनकर अपन सोच छले। दू गो वस्तु के लेल हम सब सेवा के प्रधान मानै छी। एक सबसे पहले हमरा हिंदू सनातन धर्म के जे एखन देखियो जे पर विवाद चलि रहल हन और पूरा हिंदू एक भ गेले हन। जो मामला है इसमें बहुत दिनों से जयशंकर बाबू के अध्यक्षता में मानव सेवा समिति का अध्यक्षता में अध्यक्ष है उनके कार्यकाल में
एक ही सोच यहाँ के लोगों का मांग कि पुअर होम का जो उद्देश्य है अनाथ और असहाय का अधिकार मिलना चाहिए, जो आज उसे यहाँ वंचित है। कुछ असामाजिक तत्व उसको हैंग किए हुआ है, अपने कब्जा में रखे हुआ है और अनाथों को, बेसहारा को यहाँ कोई जगह नहीं देता है, कुछ नहीं, सब अपना कब्जा में रख करके अपना स्वार्थ साध रहा है। बगल में स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, आप देख रहे हैं यहाँ असहाय, ट्रेन से भी कोई भटके बच्चे आ जाते हैं, कोई वृद्ध आ जाते हैं। अगर यहाँ पर इस पुअर होम में शेल्टर होम खुलने की बात, जो मैं मानव सेवा समिति के में काम करता हूँ, मैं मेंबर हूँ, दूसरी कोई भी संस्था बर्दाश्त नहीं है। पेपर के हवाले से ऐसा खबर आया है, जब निःसक्ता आयुक्त का दरभंगा दौरा हुआ था तो कामेश्वरी प्रिया पुअर होम की जगह पर बनेगा अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, तो हम लोगों का इसी पर विरोध है कि पुअर होम की जगह पर दूसरी कोई भी संस्था बर्दाश्त नहीं है, पुअर होम की जगह पर पुअर होम ही होना चाहिए। यहाँ समृद्ध अनाथालय की घोषणा जो है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हुआ था, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि यहाँ अनाथालय खुले, मानवाधिकार आयोग चाहता है अनाथालय खुले, आम जनमानस की भावना है अनाथालय खुले, तो फिर आखिर अनाथालय नहीं खोलने के पक्ष में कौन है, इस पर जांच होनी चाहिए। और जो लोग इस रविवार को लालबाग में हाशमी ट्रॉफी के दुकान का उद्घाटन दुकान के संचालक के द्वारा किया गया। संचालक का कहना था कि दरभंगा में ऐसी ट्रॉफी की दुकान नहीं थी, लोग इसे खरीदने के लिए पटना दिल्ली जाया करते थे, जो कि अब दरभंगा में मिलेगा। वह दूसरी तरफ ट्रॉफी पर नाम लिखवाने की भी सुविधा उपलब्ध है। ये शॉप देख के लगता नहीं है कि मैं दरभंगा शहर में हूँ, हमारा शहर भी बदल रहा है और यहाँ भी वर्ल्ड क्लास ट्रॉफीज का एक शोरूम अधिकतर होता था। कितना आसान हो गया अब ये, बहुत आसान हो गया है, क्योंकि दरभंगा के पूर्व जवाहर में जहाँ कहीं भी बड़े टूर्नामेंट का आयोजन होता है तो उस टूर्नामेंट की गरिमा के लिहाज से ट्रॉफियाँ मिलती नहीं थी, लोगों को बड़े शहर दिल्ली, मेरठ और लुधियाना वगैरह का सफर करना पड़ता था। अब वो 50 से 20 हज़ार तक का ट्रॉफी अवार्ड मिलेगा द यूनिट ऑफ हाशमी, इसमें से लेके 20 हज़ार तक का सभी आइटम आपको अवेलेबल होगा। ये फर्स्ट शोरूम है मिथिलांचल का जहां ऐसा सिर्फ कप, पहले लोग होता था कि कप। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में रविवार को कार्यकारिणी की दूसरी बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शंकर यादव ने कहा कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकेतर कर्मचारी 17 व 18 जनवरी को अपनी उपस्थिति बनाकर कार्य बहिष्कार करेंगे। इससे पूर्व 7 व 8 जनवरी को पूरे राज्य में विश्वविद्यालय कर्मी काला बिल्ला लगाकर सरकार की नीति का विरोध जताएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सरकार को 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया, पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला। आज की बैठक में फिलहाल काला बिल्ला लगाकर कार्य करने व 2 दिनों के कार्य बहिष्कार की योजना बनी है, इसके बाद भी सरकार ने नहीं सुनी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। योजना लागू करने, सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 करने के अलावा हम आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ग्रुप बीमा इत्यादि को जोड़ने संबंधी जो मांग राज्य सरकार को सौंपी है और राज्य सरकार अपने हठपूर्ण रवैये के कारण उस अभी तक वार्ता के लिए नहीं बुलाए हैं। संघ के द्वारा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, 6-7 जनवरी 2019 को काला बिल्ला लगाएंगे और 17-18 जनवरी 2019 को हमारे कर्मचारी महासंघ के सभी यूनिट पर, यानी सभी विश्वविद्यालयों में कर्मचारी हाजिरी बना करके और सहयोग करेंगे, कार्य स्थगन करेंगे। उसके बाद अब फिर भी राज्य सरकार अगर हम लोग की मांग को नहीं सुनती है तो आंदोलन का और विस्तृत रूपरेखा तैयार करके पूरे बिहार के राज्य, पूरे बिहार राज्य में सभी विश्वविद्यालयों में काम का चक्का को जाम कर दिया जाएगा सरकार के विरुद्ध। करने के
की बैठक में एक डिसीजन लिए और एक 14 सूत्री मांग जो है सरकार को सौंपे हैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को, उसके बाद भी वो नहीं उसको माने हैं, तो फिर हम एक स्मारक पत्र दिए हैं उनको एक स्मारक पत्र दिए हैं। द्वितीय फिर मांग पत्र 15 सूत्री दिए हैं, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो बाद हो करके हम लोग को रवैया नहीं है कि हम सरकार से लड़े। हमको जो कर्मचारी का जो पंचम कष्टम वेतन में जो सुख सुविधा है, जो सरकार की कर्मचारी सचिवालय को जो मिल रहा है वो हमको मिलना चाहिए, वो सरकार का समझौता है, सरकार का आदेश है, एक्ट में है, उसके बाद सारा तो नहीं कराया, तो फिर हमने स्मारित कर दिया कि आप हमको हमारी इस मांग को मानिए, नहीं तो हम आंदोलन पर जाएंगे। तो इसी आंदोलन के क्रम में हम लोगों ने 7 और 8 जनवरी 2019 को काला बिल्ला लगा करके बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कर्मी कार्य करेंगे एवं 17 और 18 जनवरी 2019 को हम बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कर्मी जो है सो नहीं कर रहे हैं। मुख्य रूप से रजिस्टर्ड संस्था है, 2-4 आदमी का अनरजिस्टर्ड है जिसको पदाधिकारियों ने ही बना रखता है अपना जो है सो उल्टू सीधा करने के लिए, और ये जो है सो 1982 का संगठन है पूरे बिहार लेवल पर, और हमारे विश्वविद्यालय में जो अनुकंपा का भी बात चल रही है, मैंने माननीय कुलपति से महोदय से बात करके आपको जो परसेंटेज का सिस्टम था हमने बात करके उसे ख़त्म करवाया है, सिंडिकेट ने भी उसको पास कर दिया है। दूसरा हुआ कि अभी तुरंत हमने लिख करके दिया है आप लोग के माध्यम से भी उनको लिखित दिया है जिसमें आप लोग को भी जानकारी में है कि अगर वो हम अभिलंब 18 तारीख दिसंबर तक अगर अनुकंपा समिति की बैठक नहीं बुलाते हैं तो बाद होकर के 19 तारीख को हम लोग पूरे विश्वविद्यालय कर्मी काला बिल्ला लगा करके अपने कार्य को करेंगे उनके समर्थन में। दरभंगा डीएमसीएच के गायनिक वार्ड में मरीजों के लिए कमरा बढ़ाया गया है, जी हां, जिसमें मरीजों के लिए खाने पीने हेतु सभी तरह की सुविधाएं अस्पताल की ओर से दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस संदर्भ में दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक ने पूरी जानकारी प्रदान की। सर, ये बच्चा वार्ड का जो बेड जो गायनी वार्ड उसके बारे में अभी मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में गया, वहाँ के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशा झा से और अन्य सीनियर क्लिनिशियन से मैं मिला। मैं उन लोगों से कहा कि आपके पास क्या व्यवस्था है कि आप जो भी बच्चा होता है जिस माँ को उसके 24 घंटा ठहरने का प्रावधान है तो उसके लिए क्या किया गया है। कभी कभी मरीज की अधिकता और बेड की कमी के कारण उसे वो जगह नहीं मिलता है, ये भी सुनने में आया कि डाइट भी वहाँ नहीं मिला, तो मैंने इसी संबंध में आज वहाँ गया था, निरीक्षण किया और मैंने 2 कमरे को जिसमें कचरे भरे हैं, जिसमें बहुत ही कंडेम सामान रखा है, उसको मैंने चिन्हित किया और उसे मैंने खाली कराने का भी आदेश दिया हूँ, 1-2 घंटे में हो जाना चाहिए, और उसके बाद वहाँ मैं कॉट का, बेड का और फिर मैट्रेस, चादर, तकिया, सब की व्यवस्था कर रहा हूँ, जो आज पूरी उम्मीद है कि आज पूरा हो जाएगा और फिर उन लोगों को भोजन की भी बात होगी, जाने का समय है, सब उनको भोजन, वस्त्र, आवास सब उनका हो जाएगा और वो चादर, कंबल सब मिल जाएगा, जिससे कि ये जो कमी हो रही थी, मुझे भी बहुत बुरा लगा जब मैंने ये सुना कि उसे ज़मीन पर रहना पड़ता है, बच्चा हुआ है उसका तुरंत, या CSC क्यों ना हुआ हो, कभी कभी जगह बेड खाली नहीं रहने के कारण उन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ऐसे स्थिति में मैंने ये कदम उठाया और आज सभी लोगों के सहयोग से, जिसमें कि हमारे विभागाध्यक्ष थे, अदर क्लिनिशियन थे, वहाँ के कार्यरत कर्मचारी थे, नर्स थी और हमारे हेल्थ मैनेजर श्री कमल उपाध्याय थे, इन लोगों के सभी सहयोग से आज यह कार्य सम्पन्न हुआ और मैं सोचता हूँ कि उन सभी को भी सुविधा मिलेगी जितने भी मरीज जिनको नहीं मिल रही थी, और इस सहयोग के लिए इस चीज़ों का सभी कर्मचारियों को, हेल्थ मैनेजर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। सोमवार को डिहटोला अठहर गांव के कुछ लोगों ने आपसी रंजिश के कारण
लाल बाबू राम की पत्नी मालती देवी को बुरी तरह जख्मी कर दिया। वही जख्मी को इलाज हेतु दरभंगा के गाड़ी दे के बूटन माझी के बेटा पप्पू माझी अच्छा राजकुमार माझी गाड़ी दे पी के रास्ता के रास्ता खातिर झगड़ा छल हमरा ओकरा बहुत दिन से गाड़ी दे हम कहली किया गाड़ि दे बेगर बात के बस आबि के सब प्राणी हमरा मारे लागल मारला के बाद छूट गेल हन ताके बाद ओकर पप्पू बेटा आबि के पहले लाठी मार के फट्ठा से मारलक हन बाँस के आधा फट्ठा फाटल छत्ते मोट के आ तै से मार के हमरा गिरा देलक हम बेहोश भ गेली तक तैके बाद हम कुछ नहि बुझली हमरा गहना जेवर छीन लेलक। की नाम भेल अहाँके? मालती देवी। गाँव? अटारडी। दरभंगा डीएमसीएच में वोल्टेज नहीं होने की वजह से गर्दन के सर्वाइकल जो मशीन है ओएसटी एवं टीएनएसटी ये मशीनें हमेशा बंद रहती है, जिसके लिए दरभंगा डीएमसीएच के एचओडी ने बताया कि अगर स्टेबलाइजर लग जाए तो मशीनें चलना प्रारंभ हो जाएगा। अभी हमारा डिपार्टमेंट में पेल्विक फ्लेक्शन मशीन कंटिन्यू चल रहा है, पेशेंट को दिया भी जा रहा है, माइक्रोवेव डायथर्मी भी रन कर रहा है, वो भी पेशेंट उससे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास कुछ मशीन ऐसे हैं जो लेजर थेरेपी है, जिसके लिए हमको डार्क रूम का प्रोविजन करना है। और पहले सभी केबल ऑपरेटरों ने आपस में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में प्रदीप गुप्ता ने बताया कि सरकार की नई नीति से केबल धारकों को अधिक बिल पे करना होगा। वहीं दूसरी तरफ सिटी केबल के ऑपरेटर कन्हैया गुप्ता ने कहा कि एक तो अभी जीएसटी के मार ऊपर से नया नियम, इसके लिए हम लोग पटना में रैली करने जा रहे हैं। ये ट्राई का जो आया है और हमारे जितने भी भारत के सर्विस प्रोवाइडर हैं डीटीएच के या केबल के, तो उन लोगों के मोनोपोली के कारण आम जनता पर महंगाई का बृहद मार पड़ने जा रहा है। जो कनेक्शन 200 रुपये में मिलता था वो 350 से 400 के रूप में मिलेगा, वही कनेक्शन उतना ही सब चीज़। तो जनता के लिए तो महंगाई है, परिवार नहीं चलता है उसके लिए 250 रुपया उसको एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो हम लोग उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि भाई कैसे जनता को राहत दिया जाए या क्या क्या हम लोग को करना होगा। इसमें जनता से भी सहयोग की अपेक्षा है कि वो भी ट्राई को लिखे कि जो चीज़ हम 200 रुपया में ले रहे थे उसको 450 या 350 रुपया क्यों किया जा रहा है ना। तो उनको भी हम लोग इस माध्यम से जनता को भी बताएंगे कि ये चीज़ गलत हुआ है और आपको ये लगने जा रहा है। आप दरभंगा के सिटी केबल के सारे ऑपरेटर भाई लोग हैं, हम लोग ट्राई के काला कानून के विरोध में हम लोग बैठक कर रहे हैं। ये एक ऐसा काला कानून है जैसे अंग्रेज ने बिहार के पश्चिमी चंपारण में नील किसान को काला कानून लगाया था, उससे भी बदतर काला कानून ये मोदी सरकार लगा रहा है ट्राई के द्वारा। इसमें सिर्फ पूंजीपति को नफा होगा, हम आम केबल ऑपरेटर जो हैं जो जनता के डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, हम लोग एक असंगठित रूप में बिजनेस करते हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, हम लोग का परिवार रोड पर चलाएगा। इसमें ट्राई ने क्या किया है कि जितने चैनल अभी आपको दिखा रहे हैं उसका रेट लमसम 600 रुपया हो जाएगा। आप कम से कम चैनल देखेंगे उसका रेट होगा 362 रुपया। अभी जस्ट 1000 रुपया लोग गैस का दाम दे रहा है और केबल हर लोग से जुड़ा हुआ है और सरकार ये केबल का कचुम्बर निकलने जा रही है। ये सारे पूंजीपति के हाथ में चला गया है। जो ब्रॉडकास्टर 43 रुपया में सारा चैनल देता था कंपनी को, आज वो ब्रॉडकास्टर यही चैनल का रेट कहता है 200 रुपया लेंगे। जो MSO 20 रुपया महीना कमाता था एक कनेक्शन में, आप कहते हैं हम 50 रुपया कमाएंगे।
हम केबल ऑपरेटर कहाँ जाएंगे, हमारे हम लोग को स्टाफ में, मेंटेनेंस में, बिजली में, जनरेटर में, रोड मेंटेनेंस में 50 से 55 रुपया खर्चा होता है और उसमें हमको कंपनी कह रही है कि हम 82 रुपया नफा देंगे। इसमें हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे ना, हमारी जनता इतना गरीब है जो इस प्रोवाइड कर पाएगी। ये रेट जो भी है बम्बई दिल्ली के लिए, बम्बई दिल्ली में लोग को आमदनी कैपेसिटी ज़्यादा है। ये हमारे ट्राई जो है, जो काला कानून लाए हैं उनको। लहरिया सराय के वीआईपी रोड में विवाह पंचमी के अवसर पर मौनी बाबा की देखरेख में रामधुन का जाप किया गया और महाराज सचिदानंद के द्वारा प्रवचन का आयोजन भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ भक्तजन रामधुन और कृष्ण धुन में मस्त होकर गा रहे थे। गौरतलब है कि सचिदानंद जी ने बताया कि अगले वर्ष से यहाँ अनाथ बेटियों का विवाह भी किया जाएगा। भगवान शिथिलपतरो दशरथ कौशल्यानंदन श्री सीताराम भगवान नंदनंदन यशोदानंदन गोपी जन वल्लभ श्री राधा कृष्ण भगवान भगवान की प्रेमोमयी मूर्ति श्रीमद रामचरितमानस कलिपावनावतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा के परम रसिक सवक्ता श्रोता श्री हनुमतलाल जी महाराज स्मरणीय परम पूज्यपाद तपो मूर्ति स्मृत श्रोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य परम श्रद्धेय संत श्री शतगुरुदेव भगवान श्री महाराजी मंचासीन समस्त संत वृंद वैष्णव वृंद संगीतज्ञ विद्वज्जन कथा प्रेमी कला प्रेमी जहां तक मेरी आवाज जा रही है सब लोग मीठी मीठी जय सियाराम जय जय सियाराम सभी लोगों ने मिलकर के मुझे पूरा पूरा सहयोग दिया है, इसके लिए मैं समस्त मिथिलावासियों को साधुवाद देता हूँ। और ये उत्सव जो है प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, इसी विवाह पंचमी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम लोग धूमधाम से मनाएंगे और यदि भगवान की कृपा हुई तो अगले साल से एक अनाथ बेटी का ब्याह भी हम इसी मंच से करवाएंगे। और इस राम कथा का जो है हमारे साथ ही नहीं, हमारे जीवन में ही नहीं अपितु संसार के जितने भी मानव समाज हैं बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि इस संसार के, इस ब्रह्मांड के राम एक ऐसे आदर्श मानव हैं जिन्होंने समाज को शिक्षित करने के लिए समय समय पर लीला अवतार धारण करके समाज को सुव्यवस्थित ढंग से कैसे चलाया जाए, समाज में संस्कार कैसे हों, मर्यादा की रक्षा कैसे हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राम जी ने अपनी लीलाओं के माध्यम से मानव समाज को कृतार्थ किया है। प्रत्येक मानव समाज, प्रत्येक मानव, प्रत्येक जीव राम के आभारी रहेंगे। बड़ा महत्व है जीवन में राम का और हम निवेदन करेंगे कि सब लोग राम कथा को, राम कथा के माध्यम से
अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेंगे, बस यही हमारी मनोकामना है। मेरा नाम श्रवण दास है। सीढ़ियां है, नौ प्रकार के साधन है, नौ प्रकार की भक्ति है। अच्छा, इसलिए आप लोग अभी से ही खिसक खिसक के बैठे, मतलब जुट कर तो फिर जीवन में कभी हटो ही नहीं। इसका मतलब ये है शरीर से। सोमवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं धरना देते हुए उन लोगों ने कहा कि अतिथि गृह में शराब का सेवन किया जाता है और जब हम लोग प्रशासन को इस संदर्भ में शिकायत करते हैं तो वे हमारी बातें नहीं सुनते और ना ही मदद करते, और साथ ही हमारे मित्रों को जबरदस्ती उठा लिया गया और हम लोगों के साथ जदयू के कार्यकर्ताओं ने भी मारपीट की। देखिए, विगत दिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन के 5 कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से दरभंगा के प्रतिष्ठित अतिथि गृह में सर्किट हाउस में शराब के नशे में मंत्री विधायक के उपस्थिति में जिस तरीके से जानलेवा हमला किया गया है, उसके विरोध में आज हम लोग लेरियासराय स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना सा नुक्कड़ नाटक का आयोजन करने का काम किया है। हम बताना चाहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में जिस तरीके से तथाकथित पार्टी के नेता जो कि शराबबंदी में अपना नाम पीके रखे हुए हैं और पीके मदमस्त रहते हैं, उनके द्वारा धन बल बाहुबल और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए छात्र राजनीति जो कि स्वच्छ राजनीति है उसको गंदा करने का काम किया गया, उसी को दोहराने के लिए यहाँ पर उनके 100 गुर्गे, उनके पार्टी के विधायक सांसद, उनके पार्टी के मंत्री के द्वारा छात्र संघ चुनाव को प्रभावित करने का काम। गिलास और जाम लगाया गया था और चारों तरफ शराब की नदियां बह रही थी। जब हमने डीएसपी अनोज कुमार को वहां पर बुलाया सर्किट हाउस के अंदर और उनसे ये प्रश्न किया कि साहब यहां शराब की नदियां परोसी जा रही है, यहां की शराब की नदियां बह रही है, आप कुछ कीजिए तो सही, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम ब्रेथ एनालाइजर से किसी का मुंह चेकअप नहीं कराएंगे और हम पे दबाव बना के हमें बाहर निकाल दिया गया और हमारे युवा को खरीदने का जो प्रयत्न ये सरकार कर रही है इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए। सोमवार को पेंसर्स एसोसिएशन जिला दरभंगा की ओर से कपिलेश्वर महतो जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में लहरियासराय पोलो मैदान धरना स्थल के नजदीक पेंसर्स दिवस मनाया गया। वहीं पेंसर्स ने अपनी मांग को लेकर एक प्रदर्शन निकाला जो धरना स्थल से टाबर तक जाकर वापस धरना स्थल आए। इस मौके पर पेंसर्स एसोसिएशन दिवस पर कपिलेश्वर महतो ने कहा कि एक उम्र में प्रत्येक आम लोगों को पेंशन मिलना चाहिए, हम लोग सरकारी सेवक हैं, रिटायर्ड के बाद हम लोग किसके सहारे अपना जीवन यापन करेंगे, इसलिए हम लोग को पेंशन मिलना चाहिए। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि यह बेरासी में कि यह पेंशन ऐसे तो कि पेंशन हमारा हक है, हमारा अधिकार है, जिसको सरकार आज भी चाहती है कि किसी न किसी रूप में उसको हड़प ले, जैसे कि 1-4 से 1-5 से पेंशनर है, पेंशन को यानी अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सरकार ने उसको रोकने का प्रयास किया है, तो जिसके यह हमारा डिफॉल्ट वेज है जो सरकार हमको कम वेतन के रूप में समय समय पर देते रही है, और ऐसे भी सरकार का दायित्व बनता है कि हम सारी जिंदगी सरकार की सेवा में लगा दी और अब बुढ़ापा जब आएगा तो फिर हमारा क्या, हम जो
सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांग निकलेंगे। इसलिए सरकार की ये जो कि यह जो संगठित क्षेत्र के लोग हैं तो वह भी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे दूसरे। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम के शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट मिसर टोला, दरभंगा। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से दशम तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।